अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ 9 पारखू की शुरुआत की थी, जिसके लेखक है जयंती दलाल, और उनके जन्म और अवसान की भी मालूमात हमने ली थी। इसका साहित्य प्रकार एकांकी है। लेखक का परिचय भी हमने हासिल किया था, और ये एकांकी में लेखक ने कौन सा वाक्य हमारे सामने रखा है वो भी हमने देखा था। इसके किरदार के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। ये लेसन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो लास्ट पीरियड में हमने इसका पहला पार्ट देखा था, आज हम इसका पार्ट 2 आगे का लेसन देखेंगे, जिसकी शुरुआत हम करते हैं। जैसे हमने देखा कि डॉक्टर पीयूष का पारखू करने के लिए उनके ससुर आने वाले हैं, और अनिरुद्ध इस बात की इत्तिला डॉक्टर पीयूष को देता है। अब आगे क्या होता है? अनिरुद्ध कहता है, हाँ आजे सवारे ज मेल में आव्या अने हमणा ज आ बाजुए पगला थता हशे। अनिरुद्ध कहता है कि आज सुबह ही वो मेल, मतलब एक ट्रेन में आए, और अभी इसी तरफ, मतलब कि वो अपने कदम बढ़ा रहे होंगे। डॉक्टर पीयूष कहता है कि पण काई कहया कहराव्या बिना। डॉक्टर पीयूष क्या कहता है? लेकिन कोई भी इत्तिला दिए बिना आ रहे हैं। अनिरुद्ध कहता है, गेलो रे गेलो, एमने तो तने कशित तैयारी बिना जो वो हशे। अनिरुद्ध क्या कहता है कि अब तो तेरी खैर नहीं है, ऐसे अचानक ही वो, मतलब कि तेरी कसौटी लेने वाले हैं, ऐसे ही तुझे देखने वाले हैं, तेरा पारखू करने वाले हैं। इसलिए डॉक्टर, दैट इज़ स्ट्रेंज, यानी बहुत ही हैरत की बात है। अनिरुद्ध कहता है, तारा विवाह जेटलू नहीं। अनिरुद्ध क्या कहता है? लेकिन तेरे विवाह के जितना ये हैरत वाली बात नहीं है। डॉक्टर, पण अनिरुद्ध मारे शू करूँ, हूँ तो इमने ओळखतो पण नथी। देखिए डॉक्टर क्या कहता है डॉक्टर पीयूष अनिरुद्ध से कि मैं क्या करूँ, मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं है, मैं उन्हें पहचानता भी नहीं हूँ। अनिरुद्ध, श्योरली दिस इज स्ट्रेंज, सच में ये बहुत ही हैरत की बात है। डॉक्टर, दिठे पण नहीं, आपने देखा भी नहीं है। डॉक्टर, अरे भला आदमी अत्यार लगी नामे पण नहीं। क्या कहता है डॉक्टर कि अभी तक तो मुझे उनका नाम भी पता नहीं है, देखने की बात तो बहुत दूर। अनिरुद्ध कहता है, तो तारे संभाळवानू। अनिरुद्ध कहता है, तो तुझे बहुत संभालना पड़ेगा, कारण के मानस जरा वहमी छे, जो इनका पारखू करने आने वाले हैं डॉक्टर पीयूष के ससुर, वो ज़रा वहमी किस्म के उलझे हुए, मतलब के इंसान है। तमें वड़ी पाछू जूना जमानानू, और फिर वापिस जूने जमाने के, पुराने जमाने के ख्यालात वाले। डॉक्टर, त्यारे तो कम भक्ति, यानी फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अनिरुद्ध कहता है, पूरी अने ये दवाखानू बतावी, आ बधाना भपका में न अंजाय। अने तो क्या कहता है अनिरुद्ध कि डॉक्टर पीयूष, ये जो तूने बनावटी दिखावा यहाँ कर रखा है दवाखाने का, अगर ये भपके में वो नहीं आए, ये नाटक को वो, मतलब कि इसमें नहीं समझे, तो तुम क्या करोगे? डॉक्टर कहता है, तो शू। अनिरुद्ध कहता है कि चपटी वगाड़ी आंगड़ी थी एक वर्तुड़ दौरे छे, इशारे से उसे गोल बताता है, शू शू विवाह फोक। कहता है कि क्या होगा, तुम्हारा विवाह टूट जाएगा, फोक हो जाएगा। डॉक्टर कहता है, पण मारे करवू शू, तू ओळखे छे। डॉक्टर अब बिल्कुल बेचैन हो गया है, डर गया है। डॉक्टर पीयूष कहता है कि लेकिन मैं क्या करूँ, तू अनिरुद्ध, तू उसे उन्हें पहचानता है? अनिरुद्ध कहता है कि हाँ, दीठे अने नामे बनने रीते। अनिरुद्ध क्या कहता है? हाँ, मैंने तो देखा भी है और उनका नाम भी जानता हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि ये केवा छे, वो कैसे है? अनिरुद्ध कहता है, ठंडे कलेजे, मतलब एकदम इत्मीनान की सांस लेते हुए क्या कहता है, माणस जेवा माणस। और भी चिढ़ा रहा है डॉक्टर पीयूष को कि इंसान जैसे इंसान है कैसे होंगे। डॉक्टर कहता है कि अरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड, हेल्प मी, हेल्प मी। अब डॉक्टर पीयूष क्या कर रहा है, अनिरुद्ध को मस्के लगा रहा है कि अरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज़ मेरी हेल्प कर। अनिरुद्ध कहता है, मारे तो जरा सभ्यता सीखवा जाऊँ छे। अनिरुद्ध उसे क्या ताना मारता है कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही हूँ, बदतमीज़ हूँ, मुझे तो जरा डिसिप्लिन सीखने के लिए, मैनर सीखने के लिए जाना पड़ेगा। डॉक्टर कहता है, ओ भाई अनिरुद्ध, आई फेटल जोक। क्या कहता है कि अरे अनिरुद्ध, मैं तो मजाक कर रहा था। अनिरुद्ध, शू थाय भाई, आपने तो हजी बोलता पण सीखवानू छे। अनिरुद्ध कहता है कि मुझे तो अभी बात करना भी सीखना पड़ेगा। गोकतो है एम, यानी याद कर रहा हो, रट्टा मार रहा हो, ऐसे डॉक्टर पीयूष राय जी, डॉक्टर पीयूष राय जी। जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था कि वो अल्लया पीयूष कहता है अनिरुद्ध, तो डॉक्टर नाराज़ होकर क्या कहता है कि मुझे डॉक्टर पीयूष राय जी बोलो। तो यहाँ उस बात का, मतलब कि ताना भी मार रहा है और मजाक भी उड़ा रहा है।
डॉक्टर कहता है मोटा भाई हमें माफ़ी मांगू थयू। डॉक्टर क्या कहता है कि बड़े भाई अब मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, बहुत हो गया, अब ये बात को ख़त्म करो, हमें मने जरा कहने के देखावे केवा छे, अब मुझे बताओ कि वो दिखने में कैसे है ताकि मैं उनकी पहचान कर सकूँ। अनिरुद्ध, जो भाई बात एम छे कि तारा ससरा नु व्यक्तित्व जुदू छे। अनिरुद्ध क्या कहता है कि बात ऐसी है कि तुम्हारे ससुर की जो पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, कि जो शख्सियत है वो बिल्कुल अलग है। घर में 3.5 फुटनी छूटी पाटली नी धोतली, यानी घर में 3.5 फुट की छूटी पाटली की धोती पहनते हैं, जुवानी नी पहलवानी नो ख्याल आवे एवं खुल्लू बदन, अने भगवान चाणक्य जेवी फरफर थी शीखा, यानी चाणक्य की जैसी उनकी जो भमर यानी जो आईब्रो है वो इधर उधर घूमती रहती है, यानी बहुत ही चालाक है। डॉक्टर, अने बाहर, और बाहर कैसे है ये तो आपने घर का बताया। तो अनिरुद्ध कहते हैं बाहर, जो भाई बाहर में अपन भेद छे, लेकिन वो जब बाहर जाते हैं तब भी उनकी व्यक्तित्व में फ़र्क आ जाता है। जो एक शाक लेवा जाता हो यानी शाकभाजी लेने जाते हो तो डॉक्टर चिड़कर क्या बोलता है, पण मारू दवाखानू क्या शाक बाजार छे, लेकिन मेरा दवाखाना थोड़ी कोई सब्जी मार्केट है कि जो सब्जी मार्केट में जैसे जाएंगे वैसे मेरे दवाखाने में आएंगे। तो अनिरुद्ध कहता है ना रे ना होय कई, नहीं नहीं ऐसा हो सकता है, मैं तुम्हारे दवाखाने को सब्जी बाजार थोड़ी कह रहा हूँ, अहीं जेवी शांति त्यां क्या मड़वानी। उल्टा उसे ताना मारते हुए क्या कहता है कि तुम्हारे दवाखाने में जितनी शांति है सब्जी मार्केट में उतनी शांति थोड़ी देखने को मिलेगी, मतलब इनडायरेक्टली कहता है कि यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है, सुनसान है सब। डॉक्टर, पण जारे कोई ने मड़वा जाता हो त्यारे, डॉक्टर पीयूष क्या पूछता है, लेकिन किसी से मुलाकात करने जाते हैं तब कैसे उनका मतलब के व्यक्तित्व होता है। तो अनिरुद्ध कहता है लांबो काड़ो कोट 4 पाटलीनू धोतियू अने काश्मीरी टोपी। जब वो बाहर निकलते हैं किसी से मुलाकात करने के लिए तो क्या पहनते हैं, डॉक्टर पीयूष के होने वाले ससुर नररत्न मणिराव लंबा काला कोट 4 पाटली का धोतिया और कश्मीरी टोपी पहनते हैं। अरे यार जूना दोस्त नवा लिबास में, कहते कह रहे पुराने दोस्त ये नए लिबास में। डॉक्टर अनिरुद्ध, डॉक्टर क्या कहता है, अनिरुद्ध प्यारा दोस्त मने कहने ये आवे त्यारे मारे शू करूँ, उससे सलाह मांग रहा है मुझसे कि वो आए तब मैं क्या करूँ। तो अनिरुद्ध कहता है अरे भाई ये तने शिखवाड़वानू होय, ये तुम्हें सिखाना पड़ेगा, हमना मारी आगड़ नाटक बजाता तो ने अभी मेरे सामने कैसे आप नाटक कर रहे थे डॉक्टर होने का, और बहुत ज़्यादा विजिट से मैं आया हूँ, बहुत पेशेंट है, बहुत बिजी हूँ, ऐसा ही नाटक उनके सामने करना, तुम्हें सिखाने की ज़रूरत क्या है, विजिट स्टाफ अपॉइंटमेंट ऑपरेशन आर्टिकल लेक्चर रिसर्च इन्वेंशन प्रिस्क्रिप्शन पेन पाउडर अने एंड टेस्ट ट्यूब, ये सब बातें का दिखावा करने को अनिरुद्ध डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर कहता है पर तू होय तो फेर पड़े, डॉक्टर क्या कहता है कि तेरे सामने तो मैं ऐसा कर सकता हूँ लेकिन वो तो मेरे होने वाले ससुर हैं, मैं नर्वस हो जाऊँगा। अनिरुद्ध कहता है शो फेर पड़वानो हो तो क्या फ़र्क पड़ता है, जमाई बदला है कहीं ससुरो छो बदलवानो छे, कि जमाई बदल सकता है अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करे तो, लेकिन ससुर थोड़े ही बदलने वाले हैं, लड़की के पिता तो वही रहेंगे, ऐसे उसका मजाक उड़ाता है। डॉक्टर कहता है रास्कल, मतलब उसे गाली देता है। अनिरुद्ध कैम पाँचों सभ्य बनी गए, अनिरुद्ध कहता है क्यों तुम पापी से सभ्य बन गए, उसे ताना लगाता है। ले भाई मारे शू माथे पड़ी भोगव, अब तेरे सर पर मुसीबत आई है तो तू ही भुगत, सीटी वगाड़ तो जाए छे। डॉक्टर रिवॉल्विंग चेयर में घूमता, टेंशन में वो रिवॉल्विंग चेयर पर घूम रहे हैं, और जो उसने बताया है कि वो कैसे दिखते हैं वो बात को बार बार दोहराते हैं, लांबो काड़ो कोट 4 पाटलीनू धोतियू अने काश्मीरी टोपी। काश्मीरी टोपी अने लांबो काड़ो कोट गोखे छे, मतलब याद करता है, टेबल पर नो कॉलबेल दाबे छे, मतलब टेबल पर कॉलबेल दबाता है और अपने मतलब के जो कंपाउंडर है गमन उसको बुलाता है। काश्मीरी टोपी, डॉक्टर गमनलाल लांबो काड़ो कोट, गमन कंपाउंडर आवे छे, गमन शू साहेब, गमन के सामने कहता है लांबो काड़ो कोट, जैसे याद कर रहा हो। गमन कहता है क्या हुआ साहेब, डॉक्टर 4 पाटलीनू धोतियू, गमन जी साहेब, डॉक्टर काश्मीरी टोपी, गमन पण साहेब, मतलब गमन को बुला कर ये बातें उसके सामने दोहराता है लेकिन कहता नहीं कि उसे किस लिए बुलाया है। यहाँ उसकी नर्वसनेस पता चलती है। डॉक्टर पगमा शू, और पैर में क्या पहना होगा, भूली गयो, साव भूली गयो, पूछवानुज भूली गयो, क्या कहता है, लेकिन पैर में उन्होंने जूती चप्पल क्या पहने होगी ये तो मैं पूछना ही भूल गया। गमन टेबल ने अड़की उभो रहे, मने केम बोलाई हुए साहेब, डॉक्टर ओ तमे आवी गया, गमनलाल जुओ पेला जूना केसीसनी फाइल्स छे ने ते मारा टेबल पर मूको, अब जो नाटक रचना है उसके लिए तैयारी शुरू कर रहा है कि पहले के जो जूने केसीस की फाइल थी वो मेरे टेबल पर रख दो, पेलू लिटरेचर छे तेनो धूल उड़ाड़ी तैयार रखो, पेला चार्ट्स खंकेरी नाखो, साफ सफाई कर लो, मतलब सब बधु एकदम ऑर्डर में
લાંબો કોટ કાશ્મીરી ધોતિયું અને ચાર પાટલીની ટોપી મતલબ ગમન કો ઓર્ડર દેતા હૈ કે જો હૈ યે દવાખાને કા નકશા બદલ દો ઓર બિલકુલ મતલબ કે હમારી ઇમ્પ્રેશન અચ્છી પડે એસા દિખાવા કરને કી કોશિશ કરના ચાહતા હૈ ગમન બીજું કાંઈ સાહેબ ઓર કુછ ડોક્ટર કહેતા હૈ લાંબુ કાળું ધોતિયું ચાર પાટલીનો કોટ અને કાશ્મીરી ટોપી બાર બાર યહી દોહરા રહા હૈ ગમન સાહેબ આ શું બોલો છો ક્યાં બોલ રહે હો ડોક્ટર બુલ્યો બુલ્યો કાશ્મીરી કોટ ગમન જતા જતા હાય બેકારી ગમન ક્યા કહેતા હૈ કે હાય બેકારી કી વજહ સે મતલબ કે ઇનકા દિમાગ એસા હો ગયા હૈ ઓર યે એસી બહેકી બહેકી બાતે કર રહે હૈ ડોક્ટર મારી પણ ભૂલ થઈ છબી જ મંગાવી લીધી હોત તો છબી મતલબ કે ઉનકા ફોટો હી મંગવા લિયા હોતા તો કિતના અચ્છા હોતા કેટલી ઉપાધિમાંથી મતલબ કિતની મુશ્કિલ મેં સે મેં બહાર નિકલ જાતા મનમોહનદાસ દાખલ થાય છે દેખો અભી ઉસકે મનમે ઉસકે હોને વાલે સસુર નર રત્ન મણિરાવ કે બારેમે મતલબ કે સબ બાતે ચલ રહી હૈ ઓર ઉસી વક્ત પર કિસકી એન્ટ્રી હોતી હૈ મનમોહનદાસ જૈસે કે મેને આપકો બતાયા કે મનમોહનદાસ કોન હૈ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર લેકિન ડોક્ટર ઉસે ક્યા સમજતા હૈ ઉનકે હોને વાલે સસુર નર રત્ન મણિરાવ યહીં સે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ શરૂ હોતી હૈ ઓર બહોત હી મતલબ કે રમૂજ ઉત્પન્ન હોતી હૈ ડોક્ટર એને જોતા જ એજ લાંબો કાળો કોટ કાશ્મીરી ટોપી અને ચાર પાટલીનું ધોતિયું ક્યા કહેતા હૈ ઉસે દેખતે હી અરે યે તો વહી હૈ વહી હૈ ઓર ખડે હોકર ઉનકો વેલકમ કરતા હૈ પધારો પધારો આઈએ આઈએ મનમોહનદાસ અરે એ શું મનમોહનદાસ કહેતા હૈ કે અરે યે ક્યા કે મનમોહનદાસ કો પતા હી નહીં હૈ કે ડોક્ટર ઉસે ક્યું બુલા રહે હૈ ડોક્ટર કે મનમાં એસી ગેર સમજ હૈ કે યે ઉનકો સસુર સમજ રહા હૈ તસદી માફ કરજો પણ મારે જરા આવવું પડ્યું ક્યા કહેતા હૈ મનમોહનદાસ કે મુજે માફ કરીએગા લેકિન મુજે આના પડા ડોક્ટર અરે એમાં શું નર રત્ન મણિરાવ સમજ કે કહેતા હૈ કે અરે ઉસમે ક્યા હુઆ આપનું જ દવાખાનું માની લો ગમનલાલ ગમનલાલ કરકે બુલાતા હૈ કે અપના હી દવાખાના સમજો ગમનલાલ ઉસે કમ્પાઉન્ડર કો બુલાતા હૈ ગમન બહારથી આવી જી ડોક્ટર પેલા પેન્તનશા શેઠને તે કહેડાવી દો કે અત્યારે મારાથી નહીં જાવી શકાય નાટક કરના શરૂ કર દિયા હૈ ડોક્ટર ગમન સે ક્યા કહેતા હૈ કે પેસ્તનશા કરકે જો પેશન્ટ હૈ ઉસે કહે દો કે મેં અભી વિઝિટ પર નહીં આ સકતા મતલબ યે જતાને કી કોશિશ કર રહા હૈ કે વો કિતના બિઝી હૈ ઓર અપને સસુર સમજ કે મનમોહનદાસ આયે હૈ ઉનકો અપને સસુર સમજ રહા હૈ તો એસા કે મેં આપકે લિયે વિઝિટ પર ભી નહીં જાઉંગા મનમોહનદાસ તમે વિઝિટ ન ગુમાવતા મનમોહનદાસ ક્યા કહેતે હૈ આપ અપની વિઝિટ નહીં મતલબ કે ઉસ પે જાના ચૂકના નહીં આપકો જાના ચાહીએ ડોક્ટર અરે સાહેબ આપ જેવા પધારો ત્યારે એક વિઝિટમાં શું ડોક્ટર ક્યા કહેતે હૈ કે આપ જૈસે લોગ અગર હમારે દવાખાનેમાં આતે હો તો એક વિઝિટ ક્યા હૈ ઉસકે લિયે અને મને એટલો આરામ મળશે મુજે ભી ઉતના આરામ મિલેગા મનમોહનદાસ ખૂબ થાક લાગતો હશે આપ બહુ થક જાતે હોંગે ઇતને બિઝી હો તો ડોક્ટર અરે સાહેબ વાત ન પૂછો ગમનલાલ ડોક્ટર ક્યા કહેતા હૈ કે અરે વાત પૂછીએ હી મત મેં તો બહુ સચ મેં થક જાતા હું ગમનલાલ કો બુલાતા હૈ મનમોહનદાસ જબ આતે હૈ તો ક્યા કહેતા હૈ બહુ બિઝી હોને કા મતલબ કે નાટક કરતા હૈ તો ગમન કો બુલાતા હૈ ગમન કહેતા હૈ જી કરકે મતલબ કે આતા હૈ ડોક્ટર અને માણસ સાથે કંપનીમાં કહેરાવો કે મિક્સર તૈયાર થયું છે માણસ મોકલી મંગાવી લે અને પૂછજો પેટન્ટનું શું થયું હા ભૂલતા નહીં દેખો કિતના દિખાવા કર રહા હૈ બિઝી હોને કા ગમન કહેતા હૈ પણ સાહેબ ગમન કો ઉસકી બાતે કુછ ભી સમજમે નહીં આતી ડોક્ટર મેં કેટલી વાર કહ્યું કે હું બોલું ત્યારે તમે લખી લેવું પછી સાહેબ સાહેબ કરી હેરાન કરો છો ઓ ગોડ સેવ મી ફ્રોમ ધીસ ક્રિએચર ક્યા કહેતા હૈ કે ગમન સે કહેતા કે મેં કિતની બાર કહા હૈ કે મેં જો ભી બોલું તો આપ નોટ ડાઉન કર લિયા કરો બાદમાં સાહેબ સાહેબ કરકે મુજે પરેશાન કરતે હો ફિર ઇંગ્લિશ મેં કહેતા હૈ કે અરે મુજે બચાઓ યે બંદે સે ગમન ડગાઈ જઈ ગમન બહુ હી હૈરત સે દેખતે હુએ બરાબર સાહેબ મતલબ ડોક્ટર કહેતા હૈ જાઓ ગમન જાય છે શું કરું સાહેબ ગમન પૂછતા હૈ કે નહીં ડોક્ટર મનમોહનદાસ સે કહેતા હૈ કે ક્યાં કરું સાહેબ જમાનો જ એવો આવ્યો છે જમાના એસા હી હૈ માણસ સમજુ અને વિશ્વાસ તો ન જ મળી શકે યાને એક હી ઇન્સાન મેં દો ખૂબિયા હો એસા ઇન્સાન નહીં મિલ સકતા કે જો સમજદાર ભી હો ઓર વિશ્વાસ ભી ઉસ પે કર સકે વિશ્વાસુ હોય તો કશું સમજે નહીં અને સમજે તો આપણાથી વિશ્વાસ ન મુકાય મનમોહનદાસ કહેતા હૈ બરાબર હૈ પણ ડોક્ટર એ શાની પેટન્ટ છે કહેતા હૈ કે કોણ સી પેટન્ટ કે બારે મેં આપ બાત કર રહે થે ડોક્ટર કહેતા હૈ મલકાતા મતલબ શર્માતે હો કે એ તો ટ્રેડ સિક્રેટ છે વો તો મેરા રાઝ હૈ પણ તમને કહેવામાં વાંધો નહીં લેકિન આપકો કહેને મેં મુજે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હૈ એ મારી શોધ છે ક્યા કહેતા હૈ કે વો મેને ઇન્વેન્શન કિયા હૈ વો મેરી શોધ હૈ વર્ષોની રિસર્ચ પછી યાને બહુ સાલો તક રિસર્ચ કરકે ઇન્વેન્શન થઈ શકી છે અને એથી ડેન્ટલ સર્જરીમાં જ નહીં
એલોપેથીમાં પણ મોટું રિવોલ્યુશન થશે. ક્યાં કહેતા હૈ કે મેરી શોધ કી વજહ સે મતલબ કે જો મેડિકલ સાયન્સ હૈ ઉસમે એક બહુત હી અચ્છા મતલબ કે રિવોલ્યુશન હોગા. મનમોહન દાસ, એનું નામ શું? તો ક્યા હૈ યે આપકી શોધ? ડોક્ટર કહેતા હૈ શર્મા તા, એનું નામ તો પિયુષ ડ્રોપ્સ છે. ક્યા કહેતે હૈ કે મેરે નામ પર હી મેને વો ઇન્વેન્શન કા નામ રખા હૈ પિયુષ ડ્રોપ્સ. ઓર ઉસસે ક્યા હોતા હૈ કે ડ્રોપ્સ થી નવા નેચરલ તીદ ગમે ત્યારે ગમે તે ઉંમરે ઉગશે. દેખીએ કિતની બડી મતલબ કે બાત હાંક રહા હૈ કે મેને એસે ડ્રોપ્સ બનાએ હૈ કે કોઈ ભી ઉમ્ર મે ઓર કભી ભી આપકે નેચરલ જો દાંત હૈ વો વાપિસ સે ઉગ સકતે હૈ. તો ઇસ પ્રકાર મનમોહન દાસ કો અપને હોને વાલે સસુર નર રત્નમણી રાવ સમજ કે વો બહુત હી બડી બડી બાતે કરતા હૈ, લેકિન એકચ્યુઅલી મેં મનમોહન દાસ ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર હૈ. તો યહાં યે ગલત ફહેમી ઓર ભી ઝ્યાદા કોમેડી આગે કરને વાલી હૈ ઉત્પન્ન. તો નેક્સ્ટ પાર્ટ 3 મેં આગે કા લેસન દેખેંગે. તબ તક કે લિયે અલ્લાહ હાફિઝ.